गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप समूह संगत पता है कि गुरबाणी के प्रसारण लैके पंजाब सरकार ने सिख धर्म के जो कि कानूनी किसी भी तरीके हो नहीं सकता, दखलअंदाजी करन दी कोशिश कीती है। सो मेरी संगतां वालों ड्यूटी लगी है जथेदार जगतार सिंह हवारा दी गैर हाजरी च कि जदों भी कोई सिख कौम दे उत्ते गुरु मर्यादा दे उत्ते कोई हमला हुंदा ते मैं उहदे विरुद्ध आवाज़ समय समय उठाउंदा रहिंदा। सो उस नूं मुख रख के पंच प्रधानी मर्यादा दे मुताबक असीं पंजाब सरकार दे मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते बुलाया और यह कहा कि यह जो वाव वेला खड़ा किया गया वा जां गुरु मर्यादा दे विच सरकार वल्लों दखलअंदाजी दिती जा रही है जिहड़ी कि तुसीं दे नहीं सकदे, तुसीं सानू अकाल तख्त साहब दे उत्ते आ के इहदा जवाब दिओ बई ये क्यों किया गया। क्योंकि खालसा पंथ जिहड़ा है वो अज तक हमेशा जुल्म के खिलाफ जूझदा है। श्री अकाल तख्त साहब, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी अकाली दल, ये सिखां दियां बड़ियां सत्कारयोग संस्थावां ने और बड़ी कुरबानी तो बाद होंद विच आईआं। इन्हां दे उत्ते श्री अकाल तख्त साहब दा जिहड़ा कुंडा है वह हमेशा रहिंदा है और सारी देश विदेश विच वसदी जिहड़ी सिख कौम आ वह अकाल तख्त साहब दे नाल जुड़ी है। इत्थे ना तां कोई पार्टीबाजी दा मसला है, ना कोई धड़ेबंदी का मसला है, तो ना ही कोई दवैत का मसला है। इत्थे सभे सांझी वाल सदायन कोई ना दिसे बारा जियो। श्री हरिमंदर साहब के दरवाजे पूरी मनुखता दे लई हमेशा खुले रहिंदे। इत्थे कदी नहीं पुछया जांदा कि तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू ईसाई है, तू जैनी है, तू बुद्ध है, तू सिख, नहीं पुछया जांदा। इत्थे श्रद्धा नूं मुख रख के, आस्था नूं मुख रख के दुनिया दियां संगतां इत्थे आके नकमस्तक हुंदियां ने। सो ये सिखां दे जिहड़ी मर्यादा मान मर्यादा भावें श्री अकाल तख्त साहब दी है, भावें श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी है, भावें श्रोमणी अकाली दल दी है, ये सिखां दे अपने मसले है। सिख बिखर जांदे ने, बहुत वारी बिखरे ने, बहुत बड़ी अलग थलग होए ने, पर साडा गुरु एडा समर्थ आ कि वह कृपा करके फिर किसी ना किसी रस्ते दे उत्ते किसी ना किसी मोड़ दे उत्ते लिया के सानू कट्ठियां कर देंदा। सो वो जिहड़ा एकता दा फर्ज, वो जिहड़ी एकता दी गल, वो जिहड़ी मान मर्यादा दी राखी दी गल असीं करदे रहे हां। अज भगवंत सिंह मान नूं असीं तीसरा मौका दिता सी कि तुसीं आ के अपना पक्ष स्पष्ट करो। देर है दुरुस्त है, अज पंजाब दी सरकार ने श्री अकाल तख्त साहब नूं सन्मुख रख के अपने दो MLA साहिबान उन्हां दे कोल अपनी चिट्ठी दे के भेजिया। आ जिहड़ी चिट्ठी तुसी मेरे हाथ विच वेख रहे हो लफाफे दे विच बंद है, इहदे विच मैनू नहीं पता की लिखिया है की नहीं लिखिया,
सो मैं एडा काला काला निगम है, मैं संगत नूं पता ला के ही हटांगे, मैं एडा काला नहीं है। सो मैं समुची सिख पहला असी पांच सिंह जिहड़े ने सामने खड़े आ, असी विचार करांगे, दुनिया भर के बैठे सिखां दी विचार लवांगे इस पत्र दे उत्ते। उस तों बाद जिहड़ा फैसला इत्थे होगा वो पूरी दुनिया के रूबरू होगा। इस करके मैं प्रेस तो मीडिया तो इस गल की समय की मंग करदा, सानू समा दिओ। असी जो तुहाडे मन दीआं भावनावां ने जां संगत दे मन दीआं भावनावां है, फैसला उन्हां भावनावां नूं दबा के नहीं होगा, पर किहो जिहा फैसला कीता जावे, क्योंकि जवाब आया है, सरकार दा जवाब आया है, इहदे ते विचार करके आउण वाले दिनां दे विच असी बकायदा डेट देवांगे इस महीने दे विच असी डेट देवांगे। उस डेट के उत्ते जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब का फैसला वा वो सारिया संगतां दे ते मीडिया के रूबरू किया जाऊगा। सिंह साहब, यह जो फ्रेंडली मैच है, क्योंकि पंजाब सरकार ने एक सोध की है जी, श्रोमणी कमेटी ने वह विरोध किया, अकाली दल बादल ने भी विरोध करता, हुण तुसीं भी उसे ही पैटर्न के उत्ते एक दोस्ताना मैच खेडदे आ, बादलों का बॉल चुके अपने हाथ लै लिया तो उन्होंने बाहर सुटना, तो की सारा जी थोड़ा जिहा क्लीयर करा। मैं किसी की तो गरंटी नहीं दिंदा, कौन पहलों की करता रहा है तो कौन हुण की करता है। श्रोमणी कमेटी भी सरकार नूं इसे गल च लैके भलेटदी है, अकाली दल बादल भी यो गल कहिंदा, अज सरबत खालसा भी यो गल कह रहा, जबकि श्रोमणी कमेटी ने कभी सरबत खालसे नूं मानता ही नहीं दिती। असीं किसे नूं कहिंदे भी नहीं हैगे भी सानूं मानता दिओ, असीं नहीं कहिंदे हैगे। जदों कौम ने मानता दिती है, सानूं किसे बंदियां दी किसे धड़ियां दी मानता दी लोड़ नहीं जी। असी किसी के नाल ना तो अज तक फ्रेंडली मैच खेडिया वा तो ना असी खेडना वा, जिहड़ी गल होगी सिर तो लैके पैरां तक जिहड़ी है वो श्री अकाल तख्त साहब नूं समर्पण हो के इहदी मर्यादा नूं मुख रख के होगी, पारदर्शी होगी, इहदे उत्ते कोई शंका ना करे, पारदर्शी सारा कुछ करांगे। सो इस करके तुसी कहिंदे हो मैं चिट्ठी खोल देवां, मैं चिट्ठी खोल सकदा वा, मैं खोल सकदा वा, पर जिहड़ी गल पंथ बनाउणी चाहुंदा, जिहड़ी गल कौम बनाउणी चाहुंदा, वो बननी नहीं। आपां कौम दी गल करनी है, पंथ दी गल करनी है, मर्यादा दी गल करनी है, तुहाडी सलाह नाल सारा कुछ होगा। अज सिर्फ इन्ना ही, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो गल इस तरह वा कि जे सरकार ने हुण ये गल ठीक है कि सानू अंदर नहीं जान देंदे, इहदे विच ना तां साडा कसूर आ ते ना किसे होर दा कसूर आ, ते असीं भी अकाल तख्त साहब की मर्यादा नूं बड़ी चंगी तरह समझदे हाँ, असीं भी उत्थे मकाल नहीं पाउणी चाहुंदे, टकराओ असीं नहीं करना चाहुंदे। इस करके ये जिहड़ा फैसला वा सानू हुण सकत्तरेत दे सामने आ के सानू करना पैंदा वा, पर कोई गल नहीं, असीं इत्थे भी ठीक हाँ, समा बदलेगा, असीं उत्थे भी जावांगे कोई मौका होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सानू स्पष्टीकरण भेजिया सी, अपना लैटर लिख के अपने सैन करके उन्हें भेजे थे, मैं प्रेस के रूप रू सारा कुछ किया, आ भी करना वा, ये भी करांगे, पर उदे तो साड़ी तसली नहीं सी हुई, जो उन्होंने लिखिया सी उन्होंने मंत्री भी पेश हुए सी, उन्होंने MLA भी पेश हुए सी, पर जो उन्होंने लिखती तौर के उत्ते स्पष्टीकरण दिता सी, साड़ी ते मेरी कौम की तसली नहीं सी हुंदी, इस करके उन्होंने तनखाइया करार मेरे दिता सी।